like a bell cut. आज हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे कि जिस इंसान ने अपनी दम पर अपनी जीवन का संघर्ष पूरा किए और वे राष्ट्रपिता का स्थान ले लिए, फिर भी उन्होंने सादा जीवन उच्च विचार क्यों अपनाए? क्योंकि उनका मानना ये था कि कोई भी इंसान दिखावे से महान नहीं होता। इंसान वही महान होता है कि जिसके पास अच्छी व्यवहार हो और ज्ञान हो, वही इंसान महान होता है। लेकिन आजकल हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम लोग केवल दिखावे पर रह रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? बहुत सी बातें हैं। तो पहले हम गांधी जी के जीवन का संघर्ष का सफ़र जान लेते हैं तो हमें मालूम चल जाएगा कि क्यों हम दिखावे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं गांधी जी का जीवन का संघर्ष। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें लोग बापू और राष्ट्रपिता कहते थे। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था और इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी और इनकी माता का नाम पुतली बाई था और इनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। महात्मा गांधी जी के पिता काठियावाड़ रियासत के दीवाने थे। इन्होंने 4 विवाह किए थे। इनकी चौथी पत्नी का नाम पुतली बाई था, जिनके पुत्र महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी बचपन से ही सत्य और अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे। 1883 ईस्वी के करीब में 13 साल की उम्र में महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया। 1888 ईस्वी में गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी ने जून 1891 में इन्होंने अपने देश भारत वापस लौटे। वापस लौटे तो इनकी माता जी का देहांत हो चुका था। गांधी जी भारत को स्वतंत्र कराने में लग गए। गांधी जी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए 1942 ईस्वी में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा दिए। अंत में अंग्रेजों को इनकी बात माननी पड़ी और जून 1947 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लुई माउंटेन ने घोषणा कर दी कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो गया। अब गांधी जी ने बहुत से काम किए और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अब उनकी हत्या का समाचार सुनकर विश्व के सारे लोग रोने लगे और 30 जनवरी को जिस दिन गांधी जी को गोली लगी थी उस दिन को शोक दिवस विश्व में मनाया जाता है। वास्तव में गांधी जी महापुरुषों में से एक थे। like a bell cut.